मुसलमानों को एकजुट कर ओवैसी सत्ता के सपने देख रहे हैं। ओवैसी जिस रास्ते पर चले हैं वो राहें उनके लिए आसान नहीं, उतनी ही मुश्किल राहें अखिलेश यादव के लिए भी होने वाली हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब अखिलेश पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं और इन बड़े बड़े पोस्टर्स पर अखिलेश को देश का भावी पीएम दिखाया गया है। अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए ये पोस्टर्स लगाए गए, जिसके बाद सियासत का एक नया चैप्टर खुल चुका है। 24 घंटे पहले पोस्टर लगे और उसके बाद समाजवादी पार्टी चारों तरफ से घिर गई। अब इस एक पोस्टर ने सियासी हवाओं पर क्या असर किया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब सीटों की लड़ाई प्रधानमंत्री पद पर बन आई है। प्राइम मिनिस्टर इसके सामने बहुत छोटी बात हो जाती है जब देश बचाने की बात हो। देश की जनता ऊब चुकी है, अब तो सपने ही देखते रहेंगे और अगले प्रधानमंत्री फिर से डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर कुछ कहता है। तस्वीर अखिलेश की है, शब्दों में भावी प्रधानमंत्री बताया गया है।